अस्सलाम वालेकुम केम छो सत श्री अकाल केरो हाल कैसे का नमस्ते केम और अच्छो एंड वेलकम टू बिग बॉस 15 का रिव्यू वीकेंड के वार का विद मी आमिर अंसारी। क्या हो रहा है मेरा भाई? आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार था। करेक्ट मुद्दों पर बात हुई, जो मुद्दे जनता के सामने आना बहुत जरूरी थे उन पे यहाँ पे डिस्कस किया गया। किस तरह से सो कॉल्ड हाईएस्ट पेड वीकली कंटेस्टेंट, जो कि इस घर में काम के नाम पर कुछ नहीं कर रहा था, जय भानुशाली, उसको आईना नहीं, पूरे के पूरे आईने की दुकान यहाँ पे सलमान खान ने दिखा दी कि बेटा तुम जब आए थे तो बहुत चढ़ चढ़ा के आए थे, कोई मेरे पे हाथ लगाएगा तो मैं उसको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा कोई स्टोरी है ही नहीं, तुम्हारा कुछ गेम नहीं है, तुम कर क्या रहे हो, इतना है कि सलमान खान ने उसको रुला दिया। नंबर वन। नंबर टू, प्रतीक सहजपाल, अपने आप को क्या समझते हो तुम? बुली ऑफ द हाउस, तुमको क्या लगता है कौन हो तुम? तुम्हारे साथ तो मैं होना चाहिए था इस घर में, अगर मैं होता ना इस घर में तो तुमको मैं रुला देता। राजीव अदातिया ने जो बुलिंग सहन की है इस घर में, उसका जवाब यहाँ पर सलमान खान ने राजीव के लिए स्टैंड लेते हुए लिया है। लेकिन ये तो एक बात है, शम्मो यहाँ पर शमितिया शेट्टी इतनी जल चुकी है कि यहाँ पर उसका सो कॉल्ड भाई अदनान यहाँ पर जब बुली हो रहा था या फिर हैरेस हो रहा था तब उसने उसको कंप्लेंट नहीं किया, अरे भैया शमिता आप तभी रॉकवेश के साथ हाथों में हाथे देकर पैकेट बैठी हुई थी एंड मैंने खुद देखा था, मैंने तभी बोला भी था कि शमिता भी अदनान के ऊपर हंस रही थी वहां पर, आपको तो फिक्र ही रही तभी, आप तो राकेश के साथ थे। आज यहाँ पर शमिता का पूरा ये दोगला चेहरा है, किस चीज का एटीट्यूड है मैडम? हाँ, करण कुंद्रा तुम्हें समझाने के लिए आ रहा है कि राजीव यहाँ पर तेजू के पास गया उसकी प्रॉब्लम सुनाने के लिए, और तुमको ये प्रॉब्लम है कि राजीव तेजू के पास क्यों गया? रादर देन सॉल्विंग इस प्रॉब्लम, रादर देन फीलिंग सिंपथेटिक, उसके लिए सिंपथी दिखाने के बदले तुमको ये तकलीफ है कि वो तेजू के पास गया, घमंड किस चीज का है तुमको? हाँ, करण कुंद्रा को बोल रही है आई डोंट केयर व्हाट इज योर प्रॉब्लम, मेरा भाई है, मुझे सिखाओगे क्या कैसा उसको वो करना है पालना है? हो कौन तुम शमिता शेट्टी? हाँ, तुमने जिंदगी में कोई हिट फिल्म दी नहीं है, एक लौती तुम्हारी हिट पिक्चर है वो है मोहब्बत है, एक शरारा शरारा गाने में डांस कर दिए, आई मीन योर एटीट्यूड इज गोइंग ओवर माई हेड, सीरियसली बोल रहा हूँ, किस बात का एक घमंड है यहाँ पर? हाँ, और उमर को तो तुम लोग कचरा समझते हो यहाँ पर, जब मौका मिलता है उमर को ऊंचा नीचा दिखा देते हो। सलमान खान टुडे ऑन नेशनल टेलीविजन टोल्ड यहाँ पर कि उमर रियाज इज प्लेइंग अ फैबुलस गेम यहाँ पर, ही इज प्लेइंग अ ब्रिलियंट गेम, बहुत अच्छा खेल रहा है वो यहाँ पर, एंड मुंह देखने लायक था। शमिता शेट्टी एंड नेहा बसीन और टू आंटीज हु आर आउट ऑन अ वेंजेंस टू रिमूव ग्रजेस, यहाँ पर किस तरह से ग्रज निकालना है ये सब वो दिखा रहे हैं यहाँ पर। इतना ही नहीं, आज करण कुंद्रा ने अपने जो पास्ट के गड़े मुर्दे हैं उनको भी उखाड़ा कि किस तरह से जब वो बचपन में छोटा था तब लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, काश लोग उस पर थोड़ा ध्यान देते तो आज उसकी जवानी इस तरह से नहीं होती। बहुत ही डीप डिस्कशन था, बहुत ही इमोशनल था, एंड क्या ऐसा टॉपिक है जिसके वजह से करण कुंद्रा या कोटियन के साथ झगड़ा करने कगार पर नहीं ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड क्या वो बात दिल में छुपा कर रखे हैं, ये सारी की सारी चीजें आज के एपिसोड में डिस्कस करेंगे। लेकिन गाइस व्हाट अ स्टार्ट टू द एपिसोड, रणवीर सिंह ने जिस तरह से इतनी इज्जत देकर सलमान खान को बिग पिक्चर के सेट से सीधा एस्कॉर्ट करके यहाँ पर बिग बॉस के सेट पर लाया वो काफी अच्छा था। बिग बॉस के सारे पोस्टर्स लगे हुए थे, बिग बॉस पनपनापन 15 से आने से पहले बिग बॉस 5555555 संजू बाबा, सलमान खान कहते हैं व्हाट अ जर्नी यहाँ पर, एंड तभी रणवीर कहते हैं जंगल के शेर का जंगल स्वागत कर रहा है, यानी कि सलमान खान उन्होंने जंगल का शेर कहा, एंड गाइस सलमान खान ने कहा रणवीर यू आर डूइंग अ फैब जॉब। दोनों की केमिस्ट्री देख के मुझे बस दिल से एक ही आवाज निकलती है, जब दोनों के दोस्त रोहित शेट्टी है, जब दोनों इतने एक दूसरे को पसंद करते हैं, व्हाट इज स्टॉपिंग अ सलमान खान एंड रणवीर सिंह फिल्म इन अ रोहित शेट्टी डायरेक्टोरियल, पता नहीं ये सब कब होगा। लेकिन गाइस यहाँ पर सलमान खान कहते हैं रणवीर तेरी क्या एनर्जी, डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, अफसाना का अफसाना इस घर में खत्म हुआ, एंड पहला टास्क जो रहता है द खाली घड़ा टास्क, मटका रहता है खाली मटके, यानी कि एम्प्टी वेसल्स मेक मोर साउंड, आपको उठाना हाथ में एंड ये बताना है कि कौन सबसे ज्यादा यहाँ पर खाली मटका है जो सिर्फ बचता रहता है। प्रतीक सहजपाल जिस तरह से हेकड़ी और हुशियारी सलमान खान ने निकाली है, एंड आई थिंक अब वो और 2-3 हफ्ते तक मुंह बंद रखेगा अपना। दूसरों के मुद्दे में जाना, वो मुद्दे जो तुम्हारे नहीं है प्रतीक सहजपाल, ये तुम्हारे गेम को कमजोर कर रहे हैं। प्रतीक सहजपाल का पूरा पैटर्न जो है एक्सपोज हो चुका है, किस तरह से लड़कियों से दोस्ती करना, बहन बनाना या गर्लफ्रेंड बनाना या महिला मित्र बनाना, फिर उनके साथ झगड़ा करके एक अगले शो में जाके वही चीजें डिस्कस करना, ये पैटर्न अब सिर्फ सलमान खान को ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया को पता चल गया। तो
पति का जो सिंपथी कार्ड है वो आई थिंक चलता हुआ दिखाई नहीं देगा. हिज गुड इन टास्क एंड दैट्स इट, उसको वही करना चाहिए यहाँ पर. एंड गाइस प्रतीक कहता है उम्र बचता रहता है, ये शो ओपिनियंस के बारे में. भैया प्रतीक सहजपाल कल पूरा इंडिया उमर के ओपिनियंस की दाद दे रहा है. किस तरह से उसने तेरा, सिम्बा का, नेहा भसीन, शमिता सबका मुंह ऐसा बंद किया कि लोग तारीफ कर रहे हैं उमर रियाज की. पूरा का पूरा सोशल मीडिया उसकी तारीफ कर रहे. तो ओपिनियंस की बात तो तुम ना करो तो ही अच्छा है. प्रतीक उमर को यहाँ पे तुच्चा गू बोलता है, उमर भी वापस देता है. उमर बोलता है मैं गू हूँ तो तू जुलाब है. उसने वैसे भी जुलाब जैसे कपड़े पहने थे प्रतीक सहजपाल ने यहाँ पे. फिर आती है यहाँ पर शमितिया. शमितिया बोलती है उमर से यहाँ पे झगड़ा करता है यहाँ पर. पहले तो महिला शमिता आप अपने डिजाइनर को पहले फायर कर दीजिए. ऐसे कपड़े पहनने से पहले दो बार हु विन द पर्सन विन द करेक्ट सेंस ऑफ माइंड वुड नॉट वेयर ड्रेस लाइक दिस. हाय अब गाइस यहाँ पे उमर कहता है शमितिया जी आप जरा बेडरूम से बाहर आइए तो आपको पता चलेगा इस घर के असली मुद्दे क्या है. हाँ तब आप बाहर के मुद्दों को देखिए. उमर कहता है खाली बर्तन मेरे लिए प्रतीक है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसकी ओपिनियंस घटिया है, वो जीरो है, वो सिर्फ यहाँ पर अपने बारे में सोचता है. कल प्रतीक सहजपाल क्या ना अटक कर रहा था. हाँ वो निशान को बोल रहा था कि अरे रे तू फेयर खेल लेकिन तू है ना मेरे बारे में सुन. मतलब जब तक प्रतीक सहजपाल के हाँ में हाँ मिला के आदमी गेम खेल रहा है तब तक वो उसका दोस्त है. एंड हाँ वो ये भी हुशारी मार रहा था कल कि अरे मैं बायस नहीं हूँ, तू अपना ओपिनियन रखना, अपना गेम खेल. डायरेक्टली मैं नहीं बोल सकता मेरे को फेवर करने के लिए, लेकिन पहले भी प्रतीक ने बहुत सारे गेम्स में यहाँ पर बोला है कि तू हमारे फेवर में खेल, हमारे तरफ से खेल. ये प्रतीक सहजपाल कल भूल रहा था. हाँ एंड यहाँ पर उमर इसको खाली बर्तन का टैग है वो देता है. सिम्बा आता है. वो मैं सलमान भाई को भी एक ही चीज पूछना चाहूंगा. द वीकेंड वॉर वॉज फैंटास्टिक, लेकिन सलमान भाई आपने ये डायलॉग बोला कि बाहर प्रतीक सहजपाल के बाद सिम्बा नागपाल के इतने सारे फैंस हो गए, मुझे तो नहीं दिखते भाई. हाँ सीरियसली है सिम्बा नागपाल मेड सो मेनी फैंस. सीरियसली सिम्बा नागपाल दिखता तक नहीं है इस शो में. पासिंग शॉट सलमान खान बोल रहे सिम्बा नागपाल पासिंग शॉट्स में दिखता है, बातें करते हुए दिखता है, रिलेशन बना है. अरे कहाँ दिखता है सिम्बा नागपाल इस शो में लिटरली स्पीकिंग. हाँ सिम्बा नागपाल बोलता है उमर खाली बर्तन है, इज द बिगेस्ट जोक ऑन नेशनल टेलीविजन. हाँ उमर एंड प्रतीक के बीच में क्लैश होता है एंड तेजू इज प्लेइंग ब्रिलियंट. बहुत बंदी लेवल हेडेड है, प्राउड ऑफ दैट गर्ल. मैं आई वॉज रॉन्ग, मैं इस टाइम रॉन्ग साबित हुआ, मैंने उसको घाटक की पगली बोला, लेकिन शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट वुमन. तेजू कहती है प्रतीक सबसे पहले तो दूसरों के मुद्दे में मत घुस, जहां तेरी जरूरत है ना वहीं पर तू घुस. समझ में आ गया, तेरा ओपिनियन मैटर करता है लेकिन जहां तेरा आवश्यकता है वहीं अपना ओपिनियन दे, जो कि एब्सोल्युटली सही है. निशान कहता है कि विशाल कुछ नहीं कर पा रहा है इस गेम में, ना उसने रिश्ते बनाए, ना किसी का विश्वास बनाया है, ना दोस्ती, जो कि मैं भी यहां पर यकीन करता हूं कि एब्सोल्युटली सही है. कोटियन कहीं का नहीं था, ना घर का ना घाट का, उसको वीआईपी बना के फिर भी इन लोग ने यहां पर जो है अंदर लेके गए, वही सबसे बड़ी बात है. लेकिन गाइस फिर यहां बारी आती है अदनान की. अदनान विशाल का नाम लेता है ना कि वो खाली बर्तन है. विशाल कहता है मैं अकेले खेल रहा हूं, मैं खाली बर्तन नहीं हूं. कुंद्रा यहां पर जय भानुशाली को आईने की दुकान में ले जाता है, दो तीन आईने दिलाता है. कुंद्रा कहता है जय भानुशाली तुम कंफ्यूज हो, तुम्हारी स्टोरी क्या है, क्या है तुम्हारे प्रिंसिपल्स, क्या है तुम्हारे एथिक्स, कुछ भी नहीं. जय भानुशाली की मक्खी छिनकना शुरू हो गई, क्योंकि गाइस जय भानुशाली एंड करण कुंद्रा बोथ आर टेलीविजन स्टार्स एंड दोनों की फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा है. गाइस यहाँ पर नेहा जो है कहती है उमर की स्टोरी क्या है, मुद्दा क्या है. नेहा भसीन तुम्हारी स्टोरी क्या है, तुम इस घर में शमिता की दोस्त बनकर आई हो, व्हाट इज योर व्यक्तित्व इन दिस शो, नथिंग. तुम बस यहाँ जा रही हो, यहाँ तुम्हारा पत्ता कट रहा है, वहां जा रही हो. कल तुम करण कुंद्रा, बहुत लोग बोल रहे हैं करण कुंद्रा को नेहा भसीन ने सुना दिया, करण कुंद्रा का मुंह बंद कर दिया. क्या मुंह बंद किया, उसके मुंह पे बोला उसको कि तुमको जो बोलना है बोलो, जाओ यहां से, मुंह पे नहीं देखना है, मत देखो. नेहा भसीन की वाट लगाया कल, कोई नेहा भसीन ने करण कुंद्रा को अपनी जगह नहीं बताई. हाँ नेहा कहती है उमर तुम्हारा क्या स्टोरी है, क्या मुद्दा है, तुम सिर्फ बजते रहते हो. नेहा भसीन बजती है यहाँ पे, उमर को आके बोल रही है. कौन कल गया था उमर के पास, नेहा भसीन गई थी. उमर आया का तुम्हारे पास, उमर ने तो सीधा सा बोला मुझे क्या कठपुतली बोल रही हो, तुम खुद शमिता ही कठपुतली हो यहाँ पर. हाँ तुम्हें स्टर्नेस नहीं है, सिर्फ बजना है. आई थिंक फालतू था नेहा भसीन का ओपिनियन. विशाल रेड टक्सीडो पहनकर आया था, अभी कहाँ गया भाई तुम्हारे गरीबी. अभी किस दोस्त से मांग कर लाया तुम. हाँ रेड टक्सीडो ये वाला खाली फोकट. उमर सही बोलता है, अपने आपको बहुत ज्यादा गरीब दिखाने की यहाँ पे कोशिश करता है. एंड वो कहता है यहाँ पर मैं प्रतीक का नाम लेना चाहूंगा कि वो खाली है यहाँ पर. जय बोलता है कुंद्रा मैं यहाँ पर सोलो खेलने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं खाली बर्तन नहीं हूँ. उसने विशाल का नाम लेता है, कहता है विशाल जो है सिर्फ वीकेंड पे बचता है.
हाँ, और ऐसा दिखाता है कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वीकेंड के वार पर, लेकिन बाकी पूरा दिन यहाँ पर खाली जोक्स मारता है, नाटक करता है। अब नेक्स्ट प्रतीक है, क्योंकि प्रतीक हर मुद्दे में आता है। हर आदमी बोल रहा है कि प्रतीक सहजपाल यहाँ मुद्दों में बीच में आ रहा है। तो गाइज उमर के लिए 4 वोट्स रहते हैं, उमर को खाली बर्तन मिलता है। अब गाइज यहाँ पर शम्मू जो है वो बोल देती है यहाँ पर, बस उमर को खाली बर्तन मिलेगा तो उमर को खाली बर्तन मिलेगा। इतनी इनसिक्योरिटी है उमर रियाज से कि यहाँ पर बस वही कर देना है। अदनान के वोट पे डिपेंड था, प्रतीक को यहाँ पर 4 था, उमर को भी 4 था, लास्ट वोट राजीव का था। राजीव बेचारा कुछ बोलना चाहता था लेकिन उसका मुंह बंद करा दिया। राजीव को आई थिंक अपना खुद का मुंह जो है वो खोल के खुद का गेम खेलना चाहिए। एंड शमिता कहती है अदनान अपना ओपिनियन स्ट्रांग रखिए, वो झुंड में खेल रहे हैं, हमको भी झुंड बनाना होगा। खुद मैडम नेहा भसीन अपना राकेश खुद और अदनान सिम्बा प्रतीक सबको लेके घूम रही है झुंड में, और इनको झुंड का नाम ले रही है। वीआईपी ग्रुप में ऑलरेडी फूट पड़ी हुई है, यहाँ पर सिर्फ तेजू करण एंड उमर साथ में है, वो निशान किसी का भी नहीं है। कलकोट के कुछ भी कर सकता है, विशाल के साथ तो आज ही झगड़ा हो गया करण कुंद्रा का, पता नहीं आगे चीजें कैसे जाएगी यहाँ पर। एंड तेजू और विशाल के बीच में झगड़ा इससे पहले हो चुका है यहाँ पर। हाँ, अब गाइस यहाँ पर पूरा राजीव को ब्रेन वॉश कर देते हैं एंड कहानी जो है वहां से आगे बढ़ती है। आई थिंक शमिता का जो डोमिनेटिंग एटीट्यूड है, मजा आएगा जिस दिन अदनान उसको डबल क्रॉस करेगा। कुंद्रा कहता भी है कि अदनान तेरे को शमिता कंट्रोल कर रही है, तू समझ जा यहाँ पर। एंड तेजू ये भी कहती है कि अदनान जो राजीव अदात्या है इज अ बिजनेसमैन आउटसाइड, आई थिंक वो जो कुछ करता है यहाँ पर काम धंधा करता है। एंड करण कुंद्रा ने कहा है कि बाहर अपने जितने भी डिसीजन है राजीव खुद से लेता है, तो घर में क्यों शम्मू का यहाँ पे टट्टू बन के बैठा है मुझे नहीं पता है गाइस। यहाँ पर सलमान खान कहते हैं भड़ यू नो गए यहाँ पर मुश्किल की घड़ी नहीं बल्कि घड़ा तुम्हारा सब लोगों का भर चुका है। सलमान भाई कहते हैं यहाँ पर उमर एंड प्रतीक यहाँ पर तुम ही सिर्फ बचते रहते हो और कोई बचता नहीं। नेहा कहती है उमर मुद्दों से दूर चला जाता है। शमिता कहती है उमर का एग्रेशन नेक्स्ट लेवल पर है। ये दोनों का मुंह देखने जाता था, उनको लगा, शमिता को लगा आज मेरा सलमान उमर की वाट लगाएगा, आज मेरा सलमान उमर को कहीं नहीं छोड़ेगा, सलमान सलमान। लेकिन सलमान भाई किसी के सुनते नहीं, वो अपने दिल की बात सुनते हैं, जिनको सही लगता है वो ही करते हैं यहाँ पर। हाँ, सलमान खान कहते हैं उमर मैंने तुमको पहले ही बोला है तुम अग्रेशन ज्यादा मत दिखाओ, मेरे अंदर जो अग्रेशन है ये मत मजबूर करना कि तुमको मैं अग्रेशन दिखाऊं। आई एम बेगिंग टू यू टू नॉट ब्रिंग मी इन दैट अग्रेसिव मोड, लेकिन उमर यू आर डूइंग फैबुलस। शमिता वाज लाइक नेहा वाज इन उन लोग का मुंह देखने ऐसा था, मुंह उतर गया यहाँ पर। तुम यहाँ पर अग्रेशन नहीं दिखा रहे हो, तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो उमर, कीप इट अप, वेरी गुड। सलमान खान कहते हैं पाप का घड़ा जिसका भर गया यहाँ पर वो है जय। तुमको 6 हफ्ते हो गए, तुमको घर अभी तक समझ में नहीं आ गया, हाँ आप कुछ कहते क्यों नहीं। हाँ, जय कहता है मैंने बात किया ना, राशन के बारे में बात किया, अफसाना के मैटर में मैं आया यहाँ पर। सलमान खान कहते हैं आने वाले दिनों में बिग बॉस 15 किसके नाम से जाना जाएगा, क्या जय के नाम से जाना जाएगा। सब लोग बोलते हैं नहीं नहीं जाना जाएगा। सलमान खान कहते हैं जय भानुशाली तुम्हारा कोई मुद्दा ही नहीं है, तुम्हारे शो में होने से या तुम्हारे शो में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई की मशाल है। क्या जय सच्चाई की मशाल है यहाँ पर, हाँ। एंड वो उसके बाद उस मुद्दों को फॉलो ही नहीं करते हैं, एक बार मुद्दा खत्म तो जय खत्म, तुम जय भानुशाली इस घर में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो। सबसे उसके बाद सलमान खान ने जोक करना शुरू किया, उन्होंने कहा देखो सिम्बा को देखो ना अग्रेशन दिखाता है, उसने तुमसे अच्छे रिश्ते बनाए हैं। एंड सिम्बा कहाँ दिखता है, खाते हुए दिखता है, पासिंग शॉट में दिखता है, लेकिन सिम्बा की फैन फॉलोइंग यहां से यहां चली गई। ये पहली बार है सलमान खान ने कुछ बहुत ही फनी जोक मारा है, क्योंकि गाइस ऑनेस्टली सिम्बा इज गोइंग नोवेयर। कब तक प्रोटेक्ट करेगा चैनल उसको, कब तक क्रिएटिव प्रोटेक्ट करेंगे सिम्बा नागपाल को। सलमान खान ये भी कहते हैं सिम्बा की कोई दुश्मनी नहीं है, हाँ, और जय तुम्हारी दुश्मनी होके भी दिखती नहीं है, हाँ। सलमान खान कहते हैं शमिता क्या तुम उमर के साथ कभी नेगोशिएट करोगी, नो, हाँ। एंड यहाँ पर जय भानुशाली को बोलते हैं जब पता है नेगोशिएट करके कोई मतलब नहीं है तो तुम क्यों उन लोगों के पास जाते हो जो नेगोशिएट तुमसे नहीं करना चाहते हैं फॉर नो रीजंस, हाँ तुम लोग कुछ भी नहीं है, कोई रीजन बिना रीजन तुम ये कर रहे हो। जय तुम्हारे साथ कोई शेयर कुछ नहीं, जय बोलता है सर मेरे साथ कोई शेयर नहीं करता, एक ग्रुप अलग बना के बैठ गया है, बोल ग्रुप अलग बना के बैठ गया है, मेरे को कोई लेता नहीं है यहाँ पर। सलमान खान बोलते हैं इसके जिम्मेदार तुम हो जय,
only you are responsible for your downfall. You are the weakest contestant who has no contribution to the show. ये वो जय नहीं है जिसको मैं जानता हूँ. मैं उस जय को जानता हूँ जो चुटकियों में आदमी का दिल जीत लेते थे. लेकिन तुम नहीं है. नॉट वन एनी हार्ट इन दिस शो. बेचारी इसमें वो तेजू जो है, तेजू वॉज वेरिंग सच अ रिवीलिंग आउटफिट बट शी वॉज लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस. यहाँ पर जय, इन शॉर्ट बोलू तो जय वॉज डिमोलिश्ड बाय सलमान खान विद इन मिनट्स. पूरा का पूरा एंजॉय कहता है सर दोनों टीम वाले मुझे लेते नहीं है. सलमान खान बोलता है भाई तेरे को टीम में क्यों लेना है, तो अपनी टीम क्यों नहीं बनाया. हाँ तू टीम का कैप्टन होना चाहिए, लेकिन अभी मैं तेरे लिए और 12 लोग भी भेजूंगा ना अंदर, तो वो भी अपनी अपनी टीम बना लेंगे. हाँ जय रोना शुरू कर दिया एकदम फुल ऐसा. मतलब पहला सलमान भाई ने उसको रोना शुरू कर दिया. हाँ सलमान भाई बोलते कैप्टन कौन था ये हफ्ते, उमर हाँ लग तो नहीं रहे थे, प्रतीक सहजपाल कैप्टन लग रहे थे. हाँ प्रतीक होता है सलमान भाई, तू भाई पहले क्लियरली बोल. हाँ तेरे कुछ समझ में आता नहीं हम लोगों को. प्रतीक कहता है सर कैप्टन को है ना दम दिखाना मांगता है, ये करना चाहिए वो करना चाहिए. सलमान खान बोलते प्रतीक क्या उमर ने ड्यूटी रॉन्ग असाइन की थी. हाँ प्रतीक कहते नहीं उमर को ड्यूटी तो फेयर दिया था. लेकिन सलमान खान कहते प्रतीक तुम क्या पर्सनल गुस्सा निकाल रहे हो. हाँ पर्सनल गुस्सा निकाल रहे हो, तुम जेन्युइनली गुस्सा हो. तुम उस दिन राशन की जो लाइन थी उस पर तुमने बवाल किया. जब उमर राशन की रेड लाइन जो थी उसको क्रॉस करा उस पर तुमने बवाल किया. वो रात वो जो टास्क है वो क्यों रद्द हुआ, तुम्हारा राशन क्यों गया, क्योंकि शमिता ने इंग्लिश बात की थी, अफसाना सो रही थी उसके लिए. लेकिन तब तुमने जरा भी अपनी आवाज नहीं उठाई. यानी उमर ने जो लाइन आगे गया तुमको बहुत तुमको मिर्ची लग गई यहाँ पे क्यों. और नहीं सर वो सब लोग है ना वो लोग वैसे डोमिनेट कर रहे थे, कॉर्नर कर रहे थे, मुझे थोड़ा सिंपथेटिक फील हुआ. बहुत हमदर्द तुम प्रतीक सहजपाल. रेड लाइन इंपॉर्टेंट थी, राशन इंपॉर्टेंट था. ओपनली बोलो तुमको यहाँ पर उमर जब कैप्टन बना तो तुमको बवाल करना था उसके सामने आकर. ये जो ढोंगी बनने का एटीट्यूड दिखा रहे हो ना, राइटियस हो, हमदर्द हो, तुम फेक हो तुम्हारे इंटेंशन में. प्रतीक सहजपाल की हवा उधर ही निकल गई, सीधा फुग्गा उसका फूटा वहां पर. वो अपने आप को बहुत शाना समझ रहा था कि ये सब करके वो अपने आप को कुछ साबित कर लेगा. समाधान कहते हैं तुम राजीव के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो. हाँ तुम राजीव के साथ ऐसे ही घर के बाहर बिहेव करोगे क्या. हाँ सिम्बा उमर निशान तुम सब बॉय स्टॉक करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन तुम्हारा ये बोलने से क्या मतलब था कि वेयर इज योर बिस्किट बॉय. व्हाट डिड यू मीन बाय बिस्किट बॉय. इतना गुस्से में सलमान खान, मतलब हद पार गुस्सा था. सलमान कहते हैं प्रतीक मैं तुम्हारा को घुसा दूं. हाँ उसने कहते वो पैसल मोटर पैसल का वो था उसने राजीव आदित्य के पीछे घुसा दिया था. हाँ हु हैज गिवन यू अ राइट टू मेक अ जोक ऑन हिम. तू 2 मिनट में रोएगा. हाँ 2 मिनट में रोएगा अगर मैं घर में अंदर आ गया ना, 2 मिनट में रोएगा प्रतीक सहजपाल. तू मैं तेरा जीना आराम कर दूंगा, तू घर से भागने की दुआ करेगा. समझ में आ गया. और व्हाट डिड यू मीन बाय मैं वो लाइन क्रॉस नहीं करता. क्या लाइन क्रॉस नहीं करता. सब ठंडे हो गए यहाँ पर. तेजू बोलती है अदनान ने मुझसे शेयर किया कि ये सारी चीजें मुझे अनकंफर्टेबल फील कर रही है, दिस इज हैरेसमेंट. शमिता वाज लाइक ये कब हुआ, ये कब हुआ. अरे मैडम तुम जब तुम्बिन के साथ तुम्बिन थे ना तब हुआ ये सब यहाँ पर. हाँ तेजू बोलती है राजीव यू शुड स्पीक अप. तुमने बेचारा आज वो घड़े वाले टास्क में शमिता के वजह से अदनान उमर का नाम ले रहा है कि उमर का खाली घड़ा भरा हुआ है. क्यों प्रतीक सहजपाल का नाम नहीं लिया, उसको बुली करता है ना वहां पे. ये शमिता के वजह से नहीं लिया, उसको कंट्रोल करके रखे, डोमिनेट करके रखी बेचारे वो अदनान को. यहाँ पर प्रतीक कहता सलमान भाई मैं सॉरी हूं मैं ऐसा नहीं करूंगा. सलमान भाई बोलते बुली है तू प्रतीक, एक नंबर का बुली. अगर मैं घर में था तो भीख मांगता हूँ, माफी मांगता. सलमान कहते राजीव यू आर हैंडलिंग एवरीथिंग विद डिग्निटी. प्रतीक मेरे को तेरे से बात नहीं करनी है. हाँ शमिता बोलती है व्हाई यू डिडंट टेल मी राजीव भाई. अरे भाई मुद्दा ये है क्या कि उसने क्यों नहीं बताया तेरे को. मुद्दा ये कि तेरे भाई को हैरेस कर रहे हैं, ये तो मुद्दा नहीं समझ में आ रहा है. बोलती है सलमान क्या मैं वहां पे थी. सलमान बोलता हाँ तुम वहीं पर थी, तुम वहां पे है, तुम मिल के साथ बैठी थी, तब ये सब हो रहा है यहाँ पर. शमिता कहती है दे आर पुटिंग स्टिकर ऑन हिज क्रॉच. हाँ नेहा कहती है उसको पांडा मत बुलाओ यहाँ पर. हाँ सब लोग हंस रहे थे वहां बैठकर शम्मू और अदनान के ऊपर. समाधान कहते हैं कि अदनान तुम क्यों नहीं बीच में कुछ बोलते हो, अभी उदास हो यहाँ पर. हाँ
स्टैंड लो सब जाके, समझ में आ गया? और किसी ने कुछ भी नहीं बोला इसके बीच में, तुम सब इसमें इक्वल तरीके से इन्वॉल्व हो। हाँ, और प्रतीक अगर बाहर तेरे भाई के साथ ऐसा करता तो तू क्या करता? अधिक बोलता मैं उसको मुंह तोड़ देता। हाँ, बोलते मुंह तोड़ देता, तू मुंह तोड़ता। कितनों का मुंह तोड़ा है अभी तक तूने? हाँ, कितनों का मुंह तोड़ा है बाहर? दो चार गिनो, यहाँ पर एक्सरसाइज कर ली है तो अपने आप को फाइटर समझने लग जाते हो। यहाँ पर चार पांच मिनट वेट मारे तो होशियारी दिखा रहे हो। पर नेहा ने या प्रतीक का जो पैटर्न है उसको एक्सपोज कर दिया। किस तरह से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया यहाँ पर। एंड सलमान खान बोलते तो नेहा तुम्हारा क्या प्लान है? तुमको अगली मायशा बनना है, तुमको अगली वो लड़की ओटीटी वाली दिव्या अग्रवाल बनना है। ओटीटीएंस, सलमान खान पिस्ड ऑफ कि ओटीटीएंस ये वर्ड यूज करते ना ये लोग यहाँ पर एकदम वहां पे। हाँ, नेहा बोलती पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, सलमान खान कहते हैं नेहा तुम तो नजर ही नहीं आती, दोस्त बन के आई हो शमिता की इस घर में, एक गेम खेलने के लिए। वेर इज रियल नेहा भसीन? प्रतीक अदनान से माफी मांगता है एंड उमर कहता है देख शमिता क्या डोमिनेट कर रही है। हाँ शमिता, तुमको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि वो किसकी बहन तेजा से बात करी उसने, तो तुम ये पूछ रही हो यहाँ पर कि मेरे को क्यों नहीं बताया। शमिता बोलती बंदी में मतलब क्या, किस चीज का एटीट्यूड है? करण कुंद्रा उसको समझा रहा है कि तेजू ने उसको समझाया लेकिन सुनने का नाम नहीं ले रहे यहाँ पर। अब गाइस तेजू बोलती है कुंद्रा तू जाकर ना शमिता को मत बता कैसा बिहेव करना है कैसा नहीं बिहेव करना है। हाँ, कुंद्रा अपना पास निकालता है, इस तरह से वो चाहता है कि वो जाके करेक्ट करे लोगों को, क्योंकि बचपन में उसके माँ बाप ने आई थिंक उससे प्यार से बात नहीं किया था तो वो करेक्ट नहीं हुआ था, इसके वजह से थोड़ा रिबेलियस हो गया था, तो वो नहीं चाहता कि चीजें ऐसी आगे बढ़े। तो गाइस यहाँ पर अब कार्तिक आर्यन आता है, धमाका के प्रमोशंस होते हैं, सलमान खान उसको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। 19 नवंबर को धमाका रिलीज होने वाली है, टीआरपी टास्क रहता है यहाँ पे, सब लोगों को अपने टीआरपी जो है वो बॉक्सेस के जरिए बतानी है। तेजू यहाँ पे कहती है जय लॉस्ट है, कुंद्रा कहता है नेहा ज्यादा चाचा चाचा मत कर, समझ में आ गया? हाँ, आई डोंट लाइक जय। लेकिन गाइस कुंद्रा एंड विशाल के बीच में अब कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। कुंद्रा कहता है मुझे विशाल के साथ कुछ प्रॉब्लम है लेकिन अभी मैं बताऊंगा नहीं। सब लोग यहाँ पे कुंद्रा को स्टॉप करते हैं कि कुंद्रा मत बोल। निशान कहता है कि ये प्लेटफॉर्म नहीं है बोलने के लिए, समझ में आ गया? प्रतीक बोलता नहीं नहीं बोल दो ना, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, थोड़ा हमारा जरा टाइम पास हो जाएगा। यहाँ पर तेजू बोलती है पता है बहुत लोग यहाँ मजे लेने के लिए बैठे हैं, हम ये बाद में डिस्कस करेंगे, समझ में आ गया? अब विशाल बोलता है उमर को क्या हो गया है कुंद्रा को, क्यों यहाँ पे मेरे पे भड़क रहा है ये? हाँ, तो अब गाइस कल पता चलेगा कि कुंद्रा क्यों भड़का हुआ है। कल मड फाइट होने वाली है तो बहुत मजा आएगा। प्रतीक वर्सेस उमर एक दूसरे पे कीचड़ फेंकने वाले हैं, तेजू नेहा की फुल बैंड हो जाएगी। सलमान खान कहते हैं कि बिल्ली नेहा ने करण शेर पे पंजा मारा है, निशांत एंड शम्मू की भी फाइट होगी और रेनकोट का बदला शमिता लेगी, छोड़ेगी नहीं यहाँ पर निशांत को। एंड गाइस कल रानी मुखर्जी आएंगी, शर्वरी एंड सिद्धार्थ चतुर्वेदी आएंगे बंटी बबली द्वितीय प्रमोट करने। तो आज का एपिसोड बहुत मजा आया मुझे, अब ये गेम सेटअप हुआ है मेरा भाई, अब ये गेम खुला है, अब मजा आएगा। इस गेम में मारा मारी होगी, असली मुद्दे एंड असली जंग होगी। मैं चाहता हूं बिग बॉस वाले उमर एंड प्रतीक की लड़ाई दिखाए, शमिता और उमर के बीच में क्लैश दिखाए, नेहा भसीन को यहाँ पर किस तरह से वो आई है कुंद्रा की वाट लगाने उसमें नाकामयाब होते दिखाए, असली मुद्दे दिखाए यहाँ पर। एंड ये अगर दिखाए तो टीआरपी डेफिनेटली बढ़ेगी एंड पक्का ये शो ब्लॉकबस्टर होगा। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, गुड नाइट।